मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसिम। ओके, तो फेरोसिम रे यार प्रीवियस क्लास रे इंट्रोडक्शन पढ़ी थी ले। ओके, आउ कौन पढ़ी थी ले ना, इंट्रोडक्शन देन रिएक्शन सिंथेसिस। ओके, रिएक्शन सिंथेसिस पढ़ी थी ले माने ता सेटा केमिति प्रिपरेशन होउची हमरो फेरोसिनटा ता ऊपर डिस्कशन करथि ले। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसिन। ओके, तो देखो हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज एन ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट रहला कोन, इट इज एन ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट मींस एटा गोटे को कलर रो माने गोटे सॉलिड टाइप रहइबो, से लिक्विड नै कि गैस नै, गोटे सॉलिड नॉर्मल टेम्परेचर रे गोटे सॉलिड टाइप रहइबो, क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप रा, और कलर टा आसीबो कोन ना ऑरेंज कलर रो। ओके, इट इज इट्स एमपी इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिटवीन 172 to 174 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट 249 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट रहिला कोन ना 172 to 174 डिग्री सेल्सियस भीतर से कोन रहउछि ना मेल्टिंग पॉइंट रहउछि। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट कोन रहउछि ना केते ना 249 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे। ओके, एंड इट्स डेंसिटी इन बिटवीन 1.1 to 4.9 ग्राम पर cm³। यार डेंसिटी टा एति ग्रोजी 1.1 to 4.9। ओके, एंड इट इज सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। एटा इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर रे इनसॉल्युबल रहूची, किंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोलुइन, एसेट्रा एसेट्रा ए गुडा करे से डिसॉल्व हे परिबो ऑर्गेनिक रिएजेंट गुडा करे। ओके, तो ए गुडा को जे फिजिकल प्रॉपर्टीज टिके नोट्स करिनियो, फिजिकल प्रॉपर्टीज गुडा को नोट्स करिनियो, मो ताको डाकिबेनी। ओके, लिखी सारल, देन नेक्स्ट स्टार्ट करवा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रे कोन कोन अछि ना, गोटे अछि फ्रिडेल क्राफ्ट अल्किलेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट एसिलेशन, मैनिक रिएक्शन, मैनिक कंडेंसेशन रिएक्शन, आ गोटे रहला गोटे एसिलेशन। ए भुरा चार पांच प्रकार अछि हमरो नेमिंग रिएक्शन गुडा को अछि। ओके, तो एगुडा बेसी किछि हार्ड नाही, तो आ फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन तमे ऑलरेडी पढ़ी छौ, अल्किलेशन एसिलेशन से टिके मॉडिफाई करके आउट के अछि हला। तो ताहाले देखिबा नेक्स्ट लिभेलिया को, आकु सब नोट्स सब कर दबो। ओके, आ जो नोट्स ता नाही मते पर्सनली मांगी भी पारियो। केमिकल प्रॉपर्टीज, देन आसला कोनो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रे कोन करछि, फेरोसिन अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बिलोंग्स करछि। ओके, के फेरोसिन बीइंग एरोमेटिक इन नेचर, इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एटा माने जेहेतु गोटे बेंजीन भली ये एक्ट करूछि, गोटे एरोमेटिक नेचर यार जेहेतु अछि, तले ये आमे जान छथि इन एरो माने सब जते सब एरोमेटिक कंपाउंड गुडा को सब गुडा को कोन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए भला से माने बिलोंग्स करोंती। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिएक्शन होजी फ्रिडेल क्राफ्ट एसिलेशन। गोटे अच्छे अल्किलेशन अच्छे गोटे अच्छे एसिलेशन। ओके, तो एसिलेशन फ्रिडेल क्राफ्ट अल्किलेशन देखिबा
सॉरी एटा एसिलेशन डेलक्राफ्ट एसिलेशन ओके सो आई एम जनसन फेडरक्राफ्ट अल्किलेशन गोटे अच्छे एसिलेशन अच्छे एसिलेशन रे आम यूज कर एसिटिल क्लोराइड अल्किलेशन रे आम यूज कर अल्किन जते जमते कि माने अल्काइल हैलाइड टाइप रो हला अल्काइल हैलाइड को नेकी आमे ताको यूज करू छंदी ओके अल्किलेशन रे बट इन केस ऑफ एसिलेशन आमे ने उछंदी कोन एसिटिल क्लोराइड दिस इज एसिटिल क्लोराइड ओके व्हेन फेरोसिन रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड ओके नॉले व्हेन फेरोसिन अंडरगोज एसिलेशन विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ओके एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड रे प्रेजेंस रे ओके देन इट गिव्स राइज टू मोनो डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दैट मींस एठी जो एठी सीएल टा बाहर जीव सीएल टा किंतु बाहर जीव तो केमति बाहर जीव एठो जो हाइड्रोजन गुटे आने की ए हाइड्रोजन टा एटा बाहर गला या जगह रिप्लेस के हे गला ना CH3CO ओके CH3CO टा एठे रिप्लेस हे गले ए हाइड्रोजन टा बाहर पडला ओके देन इट इज नोन एज मोनो डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ओके तो ताहाले इट रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड अंडरगोज एसिलेशन ओके इट रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड अंडरगोज एसिलेशन ओके इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन इट गिव्स राइज टू मोनो डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड HCl इट नोन एज फ्रिडलक्राफ्ट एसिलेशन ओके तो देख दियो टिके आ लेखो भी तुम कौन नोट्स मुझे पारिनि तुम जहां लिखो ए वीडियो रु ही लिखो ओके फ्रिडलक्राफ्ट मान एसिलेशन लिखि दियो देन नेक्स्ट देखिबा फ्रिडलक्राफ्ट अल्किलेशन ओके फ्रिडलक्राफ्ट अल्किलेशन वर्तमान देखिबा ओके अगेन दिस फेरोसिन रिएक्ट्स विथ और अंडरगोज अल्किलेशन विथ अल्काइल हैलाइड लाइक डाइक्लोरो इथेन ओके एठे हमरो इथेन टा अल्केन टा केम देई थांता C2H6 हे थांता आमे जेतु RX नउ छंती दैट मीन्स एठे डाई अल्काइल पकेला माने एठे तो C2H5 टा होची कोनो इथाइल हे थांता ओके इथाइल आमे लेखि थांते इथाइल क्लोराइड लेखि थांते जदी एठे आगुटे हाइड्रोजन काटे के एठे आगुटे क्लोराइड टा दे देबा ओके तो एटा कोन हबो डाइक्लोराइड इथेन तो एठे आमे लेखिले डाइक्लोरो इथेन ओके देन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 देन इट गिव्स राइज टू गोटे बड़ कंपाउंड टे दबो ओके को कंपाउंड टा दबा टिके देखिबा अच्छा एटी देखो टू नंबर्स ऑफ फेरोसिन आमे नहीं छंती टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आमे फेरोसिन टा नहीं छंती देन एटा को सब्स्टिट्यूट करबा माने जदि दीटा नंबर ऑफ फेरोसिन आमे नहीं छंती ताले एठा आ गोटे फेरोसिन रहइबो ओके एटा आ गोटे फेरोसिन ओके फेरोसिन पार्टा को छाड़ी दियो HCl टू पार्टा को छाड़ दियो HCl टू पार्ट मान गोटे हाइड्रोजन आ जाए गोटे हाइड्रोजन को बाहर कराई दीटा हाइड्रोजन आ दीटा Cl2 मिसिक कौन फॉर्मेशन कला 2HCl फॉर्मेशन कला ओके तो एटा को हमें भूली जीवा क्लोराइड आ दीटा हाइड्रोजन ओके देन आ पार्ट आ कोन बोल किला C2H4 टा को ए भली भाबा लिखेबी CH3 दिस इज H ओके
এইভাবে ফর্মে মু তাকে লিখিবি ওকে তো ঠিক আছে তো তাহলে এটি কোন হেলা না হুয়েন হেরোসিন অন্ডারগোজ অ্যালকিলেশন উইথ ডাইক্লোরোইথেন দেন ইট করেসপন্ডিং টু গিভ ডাইফেরোসিনিল ইথেন ডাইফেরোসিনিল ইথেন এটি তার নামটা কোন ডাই ফেরো সিনিল ইথেন ওকে তাহলে এটা লিখিবা কোন ইট রিঅ্যাক্টস উইথ কোন লিখিবা ডাইক্লোরো ইথেন ডাইক্লোরো ইথেন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যানহাইড্রাস এলসিএল দেন ইট গিভস রাইজ টু এটা আসবে কোন ডাই ফেরো সিনিল ইথেন ওকে ডাই এটা হচ্ছে ইথেন ইথেন এন্ড এইচসিএল ওকে ইট ইজ নোন অ্যাজ ফ্রিডেলক্রাফট অ্যালকিলেশন তো দেখি দিও ওকে দেখি দিও নেক্সট আসলা কো না ম্যানিক কন্ডেনসেশন অর তাকু আউ গোটে প্রসেস না কো হচ্ছে ম্যানিক কন্ডেনসেশন ইজ অ্যামিনো মিথিলেশন ওকে এটা লিখি সারল লিভেলিয়া কো সেকেন্ড আসিলা মানিক এম এম আইসিস মানিক কন্ডেনসেশন অর অ্যামিনো মিথিলেশন অ্যামিনোমিথিলেশন মানিক কন্ডেনসেশন এন্ড অ্যামিনোমিথিলেশন ওকে এটা হচ্ছে সেকেন্ড দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানিক কন্ডেনসেশন অর অ্যামিনোমিথিলেশন অ্যামিনোমিথিলেশন দ্যাট মিন্স এটি কোন রহুছি না তার তাকে করা হয়েছে কোন কহিল গোটে অ্যামিন কু অ্যাড করা হয়েছে ওকে তাহলে ইট রিঅ্যাক্টস উইথ ফর্মালডিহাইড ইন প্রেজেন্স অফ ডাইমিথাইল অ্যামিন টু ফর্ম মনো সাবস্টিটিউটেড ফেরোসিন হ্যাঁ দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ মানিক কন্ডেনসেশন ফেরোসিন ফেরোসিন দস রিসেম্বল দ্য মোর রিঅ্যাক্টিভ ফিনল অ্যান্ড থায়োফিন রাদার দ্যান বেঞ্জিন হুইচ ডোজ নট অন্ডারগোজ মানিক কন্ডেনসেশন তো এইটি কোন রহিলা মানিক কন্ডেনসেশন কোন এটি দুইটা জিনিস ইউজ করা যাচ্ছে গোটে হচ্ছে কোন ফেরোসিন রিঅ্যাক্টস উইথ ফর্মালডিহাইড এইচ সি এইচ ও ফর্মালডিহাইড ফর্মালডিহাইড প্লাস সিএস থ্রি হোল টু এনএচ ওকে সিএস থ্রি হোল টু এনএচ দেন ইট গিভস রাইজ টু দিস ইজ কোন এটা কো আমি কোচন্তি এটা হচ্ছে অ্যামিনটা ডাইমিথাইল অ্যামিন আকো আমি কোন কোচন্তি ডাইমিথাইল অ্যামিন দিস ইজ ডাইমিথাইল ওকে ডাইমিথাইল অ্যামিন তাহলে হোয়েন ফেরোসিন ইজ রিঅ্যাক্টস উইথ ফর্মালডিহাইড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ডাইমিথাইল অ্যামিন দেন ইট গিভস রাইজ টু দেন ইট গিভস রাইজ টু গোটে মনো সাবস্টিটিউয়েন্ট প্রোডক্ট হব তাকে আমি কইব পুরা টোটালি মানে গোটে অ্যাডিশন প্রোডক্ট ভাল গোটে হব ওকে তো তাহলে লিভেবা এটা
नो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट ओके ताले कौन सब्स्टिट्यूट हबो एट टोटल कौन अछि CH3 होल टू NH अछि HCHO अछि ओके तो एठी कौन बाहरी पड़िबो कहलो माने एठी H2O टा बाहरी पड़िबो H2O टा केन बाहरीबो ना एठी हम देखो हम एठी आगो इटा कर दबा सब्स्टिट्यूट कर दबा CH3 ओके देखो ये डाइमिथाइल तो बाहरी पड़ला एन सांगो को डाइमिथाइल बाहरी पड़ला ओके एन सांगो को डाइमिथाइल बाहरी पड़ला ओके देन एठी सी सांगो को HH बाहरी पड़ला ओके एठी ताले कौन कौन नहीं एठे जे जो जगह रे सब्स्टिट्यूट एठे हेची सेई एच टा कडे गला हैं सेई एच टा गोटा अछि एठे हे एच टा गोटा अछि आ एई एन पाखरे गोटे एच अछि हैला आ देन से माने कहा को नेले ओ टा गुने गले ओके एच टू टा बाहर पडला ओके बाकी जति की सब अछि एठी माने ऐड हे गला ये होछि मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ओके दिस इज द मानिंग कंडेंसेशन और एमिनो मिथिलेशन ओके सो राइट डाउन लिखिबा हमें इट रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ In presence of dimethyl amine, to form mono substitute, monosubstituted ferrocene. Okay. This process is called Mannich condensation. एक गुड़ा करो कहीं किसी कौन कोई लो तारो जेहतु डाउडे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गुड़ा को ना डायरेक्ट रिएक्शन गुड़ा को तो ए गुड़ाक कौन से प्रकार मेकानिजम ना ओके तो ए गुड़ाक बहुत सॉर्ट क्वेश्चन टाइप रो पड़े सॉर्ट नोट टाइप रो पड़े छोट छोट ओके तो ताहले एटा लिखि दियो तापर नेक्स्ट देखिबा एसिलेशन नेक्स्ट आसीबो एसिलेशन नेक्स्ट एसिलेशन से लिखिलो मानिक कंडेंसेशन लिखिलो ओके देन आसेला एसिलेशन नेक्स्ट लास्ट आसेला एसिलेशन ओके स्टेप 1 दिटा स्टेप अछि इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप एठी यूज होछि कोन ना एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड ग्रुप टा यूज होछि ओके तो ताहले एसिलेशन स्टेप 1 रे कोन होबो व्हेन फेरोसिन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड दिस इज फास्फोरिक एसिड दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड फेरोसिन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कोन फास्फोरिक एसिड देन इट अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव कौन दोची ना सब्स्टिट्यूट कौन करछि एटी जो एसिटिक एनहाइड्राइड टा अछि हां गोटे CH3CO टा गोटे एटी दीटा अछि ना एटी गोटे ऑक्सीजन अछि ओके दीटा CH3CO टा CO रु गोटे CH3CO टा लागि गला CH3CO टा लागि गला एटी सब्स्टिट्यूट हे गला एटी जदी सब्स्टिट्यूट हे गला एटी गोटे हाइड्रोजन टा बाहर पडला ओके एटी गोटे हाइड्रोजन अछि एई हाइड्रोजन अछि गोटे ओके आ गोटे कौन रहा गोटे ऑक्सीजन अच्छी आ सी एस थ्री सीओ आ बड़ा कौन
ना CH3CO गोटे CH3CO लगला ये आगे रहा CH3CO रहा ये गोटे अक्सीजेन टा ये लगला ओके ए हाइड्रोजन टा ये सब्सटिट्यूट हो गला ताले कौन फॉर्मेशन कला एसिटिक एसिड जोटा कि लिखाई एसिटिक एसिड ओके आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम लिखा एमती लिखा कहीं गोटे फेरोसिन टा अच्छे C5H5 दिस इज C5H5 तापर FE आसला ओके देन C5 एटी H टा रिमूव हो जाए छे ना तो C5H4COCH3 ओके बुझेले कि नहीं अगेन दिस कंपाउंड दिस मोनोसब्स्टिट्यूट कंपाउंड रिएक्ट्स विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड अगेन दिस मोनोसब्स्टिट्यूट कंपाउंड इज रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फर्स्ट इन प्रेजेंस कौन थिला फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट थिला देन पुनी प्रेजेंट करेले को थरे ना एनहाइड्रस AlCl3 रे प्रेजेंट करेले देन इट गिव्स राइज टू एट पुनी अथर डाई एसिटिक एनहाइड्राइड अछि पुनी अथर CH3CO टा डबल अछि ओके तो सब जको मिसि जिवो सबूजा को या सहित मिसीजी ओके सबूजा को मिसले एठे ऑलरेडी गोटे CH3CO CH3 गोटे अच्छी हाँ तो ताहले एठे आउ गोटे CH3CO गोटे मिसला ओके आ गोटे जदि CH3CO मिसिबो ताहले एठे मिसिबो माने ए जगह रे गोटे ए जगह रे मिसीजी आ गोटे ए जगह रे मिसिबो CH3CO मिसला ओके देन आउ कोन बोल गेला CH3COOH ओके बुझेला कि नहीं तो एठी देखो एठे कोन होची ना देखो ए जगह रे एटा होच ए कंपाउंड टा एठे हम लिखि चंदि ना गोटे जगह रे एठे एसिटिक एनहाइड्राइड माने CH3CO एठे ऑलरेडी गोटे CO CH3 गोटे लागि छि एठे पुने CH3CO अछि दीटा अछि एथरो गोटे CH3CO को एठे आनी कि पुने सब्स्टिट्यूट कर देबी एठे जे पुने सब्स्टिट्यूट कर देबी ता माने एठे जो C5H5 लिखाय जे गोटे H कमी गला एठे तो ऑलरेडी गोटे एच कमी जाय छी किंतु एठे आ गोटे जदि सब्स्टिट्यूट कर देबे ए जगह रे गोटे एच आ गोटे एच कमी गला त माने एठे गोटे एच आसी गला ओके एठे गोटे एच आसी गला ऑलरेडी ओ अछि ऑलरेडी ओ अछि तो गोटे जदि CH3CO पड़ेला आ गोटे CH3CO अछि त माने CH3COOH टा है कि एसिटिक एसिड टा फॉर्मेशन करला ओके डाइएसिटिल फेरोसिन ओके तो ताहले एटा देखि दियो दिस इज द एसिलेशन ओके सो राइट डाउन व्हेन फेरोसिन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड देन गिव्स राइज टू ए मोनोसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट एंड एसिटिक एसिड Again, this monosubstituent product reacts with excess amount of acetic anhydride in the presence of anhydrous AlCl3. Then it gives rise to kon hochi na diacetylferrosin and CH3COOH. Diacetylferrosin and CH3COOH. Okay? Lekhi dabo taku notes sabu kar dabo. Okay? तो एटा थिला हमर कोन कहलो ए चैप्टर रो माने लास्ट थिला एटा होची ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड टा आज सरी जाउ छी आ गोटे छोटो अछि मु सेटा तुमको नोट्स टा दे देबी माने फेरोसिन आ बेंजीन भितरे कोन कंपैरिजन अछि एक्चुअली बेंजीन जेमेति रोल करछि हॉकेल्स रूल जेमेति मानुछि फेरोसिन भी सेही हॉकेल्स रूल को भी फॉलो करछि ओके तो दिजन के भीतर एते डिफरेंस नाही बट जदि माने तार कंपैरिजन विथ रूल गोटे रहूछि आ गोटे रहूछि कोन कहलो रिएक्टिव ओके तो माने गोटे रहूछि कोन कहलो कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ फेरोसिन एंड बेंजीन हां गोटे होछि एरोमेटिसिटी टा होची कोन कहलो बेंजीन नो तमे ऑलरेडी पढी छो हॉकेल्स रूल पढे पढी छो सब हॉकेल्स रूल टा ओके बेंजीन फॉलोस द हॉकेल्स रूल इन केस ऑफ फेरोसिन इट इज आल्सो फॉलो द हॉकेल्स रूल ओके हॉकेल्स रूल टा बेंजीन जेंते फॉलो करछि फेरोसिन भी सेमती फॉलो करूछि एटा गोटे पॉइंट अछि कोन कहलो कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ फेरोसिन विथ बेंजीन
फेरोसिन और बेंजीन अच्छे माने सहित मान तार कंपैरिजन तार रहला कोनो हॉकिंस रूल जोटा कि हम कोछने एरोमेटिसिटी आ हिंदी रिएक्टिविटी ता कोनो ना फेरोसिन इज मोस्ट रिएक्टिव देन बेंजीन बेंजीन तो विभिन्न प्रकार जें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट एम विभिन्न प्रकार कंपाउंड फॉर्मेशन कर बेंजीन सल्फोनिक एसिड विभिन्न प्रकार कंपाउंड माने रिएक्शन है के रिएक्शन करे कि माने विभिन्न प्रकार कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाउछि सिमिलरली फेरोसिन ताठ और अधिक पावरफुल इन केस ऑफ रिएक्टिविटी ओके इन केस ऑफ रिएक्टिविटी बेंजीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन सॉरी फेरोसिन इज मोस्ट रिएक्टिव देन बेंजीन ओके बट इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी बेंजीन फॉलोज द हॉकिंस रूल एंड इट फेरोसिन फॉलोज ऑल्सो हॉकिंस रूल बेंजीन आउ रिएक्टिव जदि एरोमेटिसिटी को देखिबा तले बेंजीन जेमति हॉकिंस रूल को फॉलो करूची सेमिति हमर फेरोसिन मध्य हॉकिंस रूल को फॉलो करूची बट इन केस ऑफ जदि रिएक्टिविटी देखिबा फेरोसिन इज मोस्ट रिएक्टिव देन बेंजीन बेंजीन तो बहुत रिएक्टिव होची फेरोसिन ओके फेरोसिन बहु आहुरी बहुत गुडे कंपाउंड अछि जो गुडा करे कि बेंजीन तांको सहित रिएक्शन करि पारे न बट फेरोसिन रिएक्शन करि पारिबो ओके तो एटा मु तार नोट्सटा छोटिया नोट्सटा मु पठे देबी तुमको बाकी आउ जहां भी मु एटा पढेली आज तमे सेटा वीडियो रो ही नोट कर दबो ओके।